ग्रह पर दोबारा क्यों आए हैं? याद है पिछली बार नारू बाबू ने जड़ी बूटी ढूंढने में हमारी मदद की थी, आज उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। कैसे हो बच्चों? शाक ग्रह पर तुम सबका स्वागत है। इससे मिलो, ये मेरा पोता है बाबू बाबू। कितना प्यारा है। मुझे किसी ग्रह पर एक जरूरी भाषण देने जाना है। क्या आप चाहते हैं आपकी गैर हाजिरी में हम बाबू बाबू का ध्यान रखें? शुक्रिया दोस्तों, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। इसके बाकी खिलौने अंदर होंगे, चलो लेकर आते हैं। इस खेल में तो बहुत मेहनत है। ये आपके लिए। ये तो बड़े मजेदार लग रहे हैं। मुझे बताओ इन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या चाहिए? चुटकी दीदी, सुपर भीम भैया, मेरे लिए नाच के दिखाओ। क्या? हाँ हाँ, नाचो अभी। ठीक है। अब बताओ इन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं? दादाजी की अलमारी में से वो नीली दवाई इन्हें पिला दो, फिर ये वापस पहले जैसे हो जाएंगे। मिल गई नीली दवा। मैं तुम्हारे आम से भी अच्छी चीज लाया हूँ, आमरस। परेशान तो नहीं किया तुम लोगों को? तो अगली बार जब मुझे इसे छोड़ कर जाना होगा तो मैं तुम लोगों को ही बुलाऊंगा। लग रहे हैं। स्काई ड्रैगन, क्या इन लोगों ने हमें इस ग्रह पर बुलाया है? तुम कौन? बच्चों
भीम और बच्चों, मैं रूजा हूँ, रोशोज का राजा, और तुम सबका अधूरा ग्रह पर स्वागत करता हूँ। तुम इस वक्त ग्रह के रोशनी वाले हिस्से पर हो, दीवार के उस तरफ बंजर हिस्सा है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे विश्राम कक्ष तक ले चलता हूँ। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मुझे वो स्वादिष्ट फल खाना है। कालिया, ये तुमने क्या कर दिया? इन्हें खाने वाला पुतला बन जाता है। मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रहा। इसका कोई तो इलाज होगा? जल माया फल का असर सिर्फ फूल भरी नाम के फूल से ठीक किया जा सकता है, पर ये फूल सिर्फ बंजर हिस्से की काली गुफाओं में मिलता है। बहुत वर्षों पहले हमारे पूरे ग्रह को इस सुंदर सौंदर्य तारे से रोशनी मिली थी। फिर अचानक एक दिन टूटे तारों की बरसात हुई। उस बरसात ने सौंदर्य तारा को ग्रह के इस तरफ धकेल दिया, इसीलिए अब सिर्फ आधे ग्रह पर रोशनी पड़ती है। और न जाने कहां से ये डुकस आ गए। इन डुकस का राजा डोरो बड़ा ही मतलबी और क्रूर है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये हीरो की दीवार बनाई डुकस और रोशोस को अलग रखने के लिए। अब हम फूल भरी फूल लेकर ही वापस आएंगे। Thank you.
नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हमें ड्रैगन जादू सीखनी है। हाँ, और ड्रैगन लड़ाई भी। हमें ड्रैगन स्कूल फिर से शुरू करना चाहिए। ड्रैगन स्कूल। तो रोका किसने? ड्रैगन स्कूल को फिर से शुरू करते हैं। ये मूर्ति आखिर टूटी कैसे? ये हमारी वजह से नहीं टूटी, महा ड्रैगन लड़ाई कॉन्टेस्ट में। ये ड्रैगन लड़ाई का मुकाबला है। मेरा नाम है डोगा, मुझ जैसा कोई नहीं होगा। वो आपे से बाहर हो गया था। क्रूर और गुस्सा उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। ड्रैगन स्कूल का स्वच्छता अभियान अब जॉली मॉली का है काम। कि तुम क्या सीखना पसंद करोगे, ड्रैगन जादू या ड्रैगन लड़ाई? ओ ड्रैगन जादू से तुम अंतरिक्ष की हर पहेली को सुलझा सकते हो। ड्रैगन लड़ाई से तुम्हें ताकत मिलेगी। हम ड्रैगन जादू सीखेंगे। अब तुम्हारा क्या फैसला है भीम? पता नहीं। आज के दिन तुम ज्वाला और जोर के साथ ड्रैगन जादू और ड्रैगन लड़ाई दोनों का अभ्यास करो। ये शक्ति मुद्रा है, इसका अभ्यास करने से तुम्हारे शरीर की सारी शक्ति तुम्हारे बाजुओं में आ जाएगी, दुश्मन पर हमला कर सकते हो। हाँ। और जोर लगाओ। बटर बटर बटली बम्बूटी, बच्चों को दे दो इनकी खुद की अंगूठी। ये निजी अंगूठी है, तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा इस अंगूठी की रक्षा करनी होगी। पहला मंत्र बड़ा ही सरल है, होकस पोकस मारो लोकस। तुम्हें बस थोड़े अभ्यास की जरूरत है। बूम बैम बूम, धूम धाम धूम। दूर हटो मुझसे। Hmm.
जरा हम भी तो देखें तुम्हारे चाचा ने जो कपड़े भेजे हैं उनमें तुम कैसे लगते हो। हाई स्ट्राइकर्स पर करनी पड़ेगी। वहाँ देखो। मेरा नाम है सूरा। दिखने में तो बड़ा छोटा है पर ये सूरा है बहुत ताकतवर। अब देखो मेरी अदृश्य किरणों का कमाल। Up.
मेरे हाथ में मोच आ गई है। अब मैं प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। अब एन मौके पर हमें कूडो रोडा की जगह दूसरा खिलाड़ी कहाँ मिलेगा जो इतना ही ताकतवर हो। क्या? मैंने क्या किया? इस साल की हाई स्ट्राइकर्स प्रतियोगिता में ड्रैगन्स के प्रतिनिधि तुम बनोगे। थोड़ी पेट पूजा हो जाए। हमें गर्मा गर्म भजिए चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका धूम धूम ग्रह पर हाई स्ट्राइकर प्रतियोगिता में स्वागत करता हूँ। यहाँ सबसे हिम्मत वाले और ताकत वाले ही जीतेंगे। आज हमारे साथ है सहस्त्र ग्रह से बुलजोर, सांझ ग्रह से सूरा और आखिर में ड्रैगन लैंड से भीम। पहला राउंड होगा ताने मार के साथ। कुछ तो गड़बड़ करने पर तुला है। कोई मेरे हथौड़े को खींच रहा था। कोई ताकत मेरे हाथों से भी हथौड़े को खींच रही थी। मुझे सूरा पर शक है। सब उसकी तरफ नजर रखो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। वापस घर जाओ बच्चों। तुमने ये बहुत बुरा किया सूरा, तुम्हें इस प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है। प्रतियोगिता से बाहर? उससे पहले मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा। इस भीम ने तो भयभीत पर काबू पा लिया। पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये जीव है क्या। मेरे पास एक आइडिया है। ये चूहों की दुनिया है। मूसी ने उस दुनिया के द्वार अपने लिए खोल दिए हैं। ये शायद वो दुनिया है। हमारी दुनिया में एक बिल्ली है। कितना डरावना है ये। सबको पता चला तो भगदड़ मच जाएगी। हमें उस बिल्ली को वापस भेजना होगा। बिल्ली यहाँ थी तो कुछ निशान जरूर छोड़ा होगा। देखो पैर के निशान यहाँ है। वो अंदर है। हटो हटो, कालिया को अपना काम करने दो। ओ बिल्ली बिल्ली। उस बिल्ली ने मुझे काटा। घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं।
तुम दोनों दौड़ने में और पीछा करने में माहिर हो। चलो एक चूहे बिल्ली की रेस हो जाए द्वार तक। अगर बिल्ली जीतती है तो वो वापस जाएगी, अगर तुम जीते तो तुम इस बिल्ली को रख सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें मूसी के गुस्से को दोस्ती में बदलना होगा और तब मूसी खुद बिल्ली को वापस जाने देगा। एक दो तीन गो। जाओ प्यारी बिल्ली। और जैसा मैंने सोचा था, अच्छा बच्चा मूसी बिल्ली की मदद करेगा। अरे वाह, बिल्ली आगे बढ़ रही है। चलती रहो प्यारी बिल्ली, आगे बढ़ती रहो। तुम रेस जीत गई। तुमने सही किया मूसी। तैयार प्यारी बिल्ली? बहुत जल्द मुलाकात होगी तुमसे दोस्त। बहुत अच्छे जग्गू। वो कौन है? ये तो मूसिका ग्रह की मिंकी है। स्काई ड्रैगन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मेरा बेटा मूसी गलती से प्लैनेट बड़प्पन में प्रवेश कर गया। ये ठीक नहीं हुआ मिंकी। क्यों स्काई ड्रैगन, प्लैनेट बड़प्पन में ऐसी क्या बात है? प्लैनेट बड़प्पन के निवासी हैं बूढ़ास, जिनके चार हाथ होते हैं, पर अगर कोई अनजान उनके ग्रह में प्रवेश कर जाए तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। घबराओ मत मिंकी, हम सब तुम्हारे बेटे को वापस ले आएंगे। कहीं दिखाई देता है क्या? वो देखो मूसी मिल गया, वो उन बूढ़ास के बीच नाच रहा है। बूढ़ास उसे कुचल सकते हैं। मैं उसे लेकर आता हूँ। शरारती बच्चे, पता है तुम्हारी माँ तुम्हारी कितनी चिंता कर रही है और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। चल मूसी, बदमाशी की भी हद होती है, तुम्हें डर नहीं लगता? उन बूढ़ास के बीच नाच रहे थे, भला हो इनका जो इन्होंने तुम्हें बचा लिया। कितना प्यारा है ना ये। इससे जल्दी बाहर निकलना चाहिए। तुम्हारी माँ ने कहा था, तुम उससे कहीं ज्यादा शरारती हो। बच गए। पत्थर का बना हो। पत्थर? हाँ, इसे तो सिर्फ पत्थर ही हिला सकता है। भोलू भोलू, तुम दोनों जोर से चिल्लाओ ताकि इसका सर चकरा जाए। भोलू भोलू, इसमें चिल्लाओ। तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है बूढ़ा। शुक्रिया भीम और स्काई ड्रैगन।